हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी मदर्स चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हेयर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो आपके कैसे आपके बालों की आप देखभाल करें और कैसे उनको अच्छा ठंडियों में स्पेशली नरिशमेंट दें, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल और डैंड्रफ दो ही तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हेयर प्रॉब्लम्स में, जिनसे हम ज़्यादा जूझ रहे होते हैं और उनका ही हमें उपाय करना है, ठीक है। तो जो डैंड्रफ होता है वो हमारी जड़ों को जो है वो कमज़ोर करने लगता है। धीरे धीरे हमारे जो रूट्स होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि हमारा जो खान पान होता है, हमारे खान पान का हमारी ब्यूटी पर, हमारी स्किन पर और हमारे बालों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे तो आप कुछ, मैं आपको होम रेमेडीज़ ऐसी बताऊंगी जिनको आप, जिन उपायों को घर पे ही करके फॉलो आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, उनको अच्छी मजबूती दे सकते हैं, आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बालों का डैंड्रफ कम हो जाएगा और उसमें हमको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको बोनस पॉइंट बताऊंगी। फ्रेंड्स, डैंड्रफ के लिए हमारे पास एक ये उपाय है कि हमारे घर में सिरका तो ज़रूर होगा, आप सिरका ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल का सिरका हो या फिर गन्ने का हो, जिसका भी सिरका हो, आप सिरके को 2 चम्मच ले लीजिए और 2 चम्मच सिरके में 3 कप पानी डाल के और उसको, उसी पानी को आप धीरे धीरे अपने सर में अप्लाई करिए। अप्लाई करके और उसके बाद में थोड़ी देर उसे एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने बालों में और फिर आप 1 घंटे बाद अपने बालों को धो लीजिए, ठीक है। तो पहला हमारा डैंड्रफ का ये हो गया। और सेकंड, हम दही ले सकते हैं। दही में अगर आप सिरका ना मिले तो दही ले लीजिए। दही में आप क्या करिए, थोड़ा सा नींबू आधा निचोड़िए और उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आपको उसको अपनी जड़ों में, डैंड्रफ को दूर करना है तो कोई भी खट्टी चीज़ों का यूज़ से वो डैंड्रफ कम हो जाता है। कोई दूसरी दवाइयाँ लगाने की डैंड्रफ से ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से जड़ों में अपने ऐसे ऐसे अप्लाई कर लीजिए उसको, दही और जो हमने नींबू का मिश्रण बनाया है, और उसको अच्छे से अप्लाई करके आप ऐसा 2 बार करिए हफ्ते में और उसको अच्छे से बालों में 1 घंटा रखिए और फिर 1 घंटे बाद अपने बालों को हल्के गुन, अगर ठंडी का मौसम है तो हल्के गुनगुने पानी से उस बालों को अपने धो लीजिए। बालों को कभी भी ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, नहीं तो बाल और ज़्यादा हमारे ड्राई होते हैं और टूटते हैं। सेकंड है हमारा डैंड्रफ के बाद में आता है हमारा जो है हेयर फॉल। तो हमारे हेयर फॉल्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक ऑयल आप लीजिए, नारियल का तेल लीजिए और नारियल के तेल में आप 1 चम्मच मेथी बड़ा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच उसमें मंगरेल जो होता है, काला मंगरेल जो होता है वो डाल दीजिए और फिर इस, इन दोनों को तेल में आप अच्छे से 10 दिनों तक धूप में, धीरे धीरे जैसे अचार रखते हैं ना, धूप में रखे फिर घर में शाम को ले आए, ऐसे आप रखिए 10 दिन तक उसको, जो मेथी और मंगरेल का जो नारियल में जो है ना अरग, वो उसको अंदर अच्छे से मिलने दीजिए और फिर उस तेल को आप अपने बालों में, जब भी आपको बाल धोने हो तो 1 दिन पहले रात में अच्छे से अपने बालों की जड़ों में ऑयलिंग कर लीजिए और फिर ऑयलिंग करके उसको आप अगले दिन बाल सुबह में धो लीजिए, ठीक है। तो आप ये जो है मेथी को इस तरह से यूज़ करिए तो आपको हेयर फॉल जो आपका हो रहा है वो ज़रूर आपका कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो है ना, मैं ये ही नहीं करना है, साथ साथ में हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी है खान पान का ध्यान रखना, हमें अपने खान पान में जो बाहर का जो खाना होता है वो अवॉइड थोड़ा करना चाहिए, उससे नहीं तो हमारे स्किन पर भी असर पड़ता है, हमें पिम्पल्स होते हैं और भी ड्राइनेस आती है स्किन पे, साथ ही हमारे बाल भी बहुत झड़ते हैं बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स पानी पीजिए, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीजिए ताकि आपके बालों को अच्छे से पोषण मिलता रहे, ठीक है। फाइबर रिच आप फूड खाइए, सलाद अपने जो डाइट है अपने उसमें सलाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स की भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें भी अपने खाने में ऐड करिए। साथ ही फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी कि आप 2 अखरोट और 8 बादाम, ये जो है आप बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये ड्राई फ्रूट दोनों, तो आप इसको अपने जो डाइट है उसमें आप ज़रूर ऐड करिए तो आपका जो है बाल वो बहुत ही
अच्छे सिल्की लॉन्ग हेयर होएंगे, और सिल्कीनेस के लिए अगर आप शाइनिंग चाहते हैं और सिल्की चाहते हैं तो आप कंडीशनर की बजाय बाल धोने से पहले हो सके तो एक अंडा जो है उसे अच्छे से मिलाइए और फिर अपने बालों में अप्लाई करिए और एक घंटे बाद बालों को धो लीजिए, तो उससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की होएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको कुछ नुस्खे बताए हैं, साथ में मैंने मेथी का जो बताया है वो आप ऑयलिंग करने के लिए ज़रूर यूज़ करिएगा, और साथ ही में आप मेथी के जो ठंडियों में मेथी पत्ते आते हैं उनको आप मेथी का पराठा खाइए, मेथी की सब्जी खाइए, लेकिन उनको खाने में भी आप ऐड करिए। खाने से क्या होगा, आपको अंदर से पोषण मिलेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन से आपके बालों में जो है अंदर जड़ों में अंदर तक पोषण जो है ब्लड के द्वारा वो जाएगा और वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अच्छे से और पहुँचाएगा। तो आप साथ ही में मैं आपको एक शैम्पू बता रही हूँ जो आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर पे ही ये शैम्पू मिलेगा। आप इस शैम्पू को हेयर फॉल ज़्यादा है, डैंड्रफ ज़्यादा है तो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगा। देन नेक्स्ट मैं जो है केश किंग का जो हेयर फॉल शैम्पू होता है मैं वो रिकमेंड करूँगी कि वो शैम्पू भी बहुत ही कारगर होता है। आप उससे रेगुलर अगर बाल धोते हैं तो आपके डैंड्रफ भी चले जाते हैं और उसका साथ साथ ही आपका जो है बालों की जो ग्रोथ होती है उसमें भी अच्छा असर आता है। दिन भर में अगर आपके 100 या 50 बाल टूटते हैं तो आप उसको हेयर फॉल में मत ऐड करिए। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उन सब चीज़ों को फॉलो करिए, और अगर बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल्स की या जड़ों में बहुत ज़्यादा गंजापन हो रहा है या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और बहुत दिक्कत अगर ऐसी महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और उनसे आप सलाह लीजिए। आप ट्राइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, बालों के वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे आप मिलिए और वो आपको कुछ ना कुछ आपको उपाय ज़रूर करेंगे आपका। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।